जब हमें पेपर ही ऑनलाइन अटेम्प्ट करना है तो क्यों ना उसकी प्रिपरेशन भी हम ऑनलाइन ही करें, और डेफिनेटली उसकी प्रिपरेशन ऑनलाइन करने के लिए कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज जुनैद खालिद इन फ्रंट ऑफ यू। आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 5 ईयर्स और मैंने अपनी टीचिंग प्रोफेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स देखे जो कि नॉर्मली स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। एंड व्हाट आर दीज प्रॉब्लम कि नॉर्मली जो स्टूडेंट फेस कर रहा होता है दैट इज अ ट्रैवलिंग प्रॉब्लम। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कराची के बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज में रहते हैं, जिनके लिए इंस्टीट्यूट पहुँचना टाइम पे और फिर लेक्चर्स को अटेंड करना। नंबर टू, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के अंदर होते हैं, तो डेफिनेटली अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए वो कोई ना कोई जॉब्स कर रहे होते हैं। और दूसरी एक जो मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हम यहाँ पे इसके अंदर अपने स्टूडेंट्स में देखते हैं कि क्लास के अंदर नॉर्मली पर्सनलाइज इन्वायरमेंट नहीं हो पाता। डेफिनेटली रीजन बीइंग कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके पास शार्प होते हैं, जो चीज़ों को जल्दी कैच कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मली इतनी जल्दी आपके पास कॉन्सेप्ट को कैच नहीं कर पाते। सो विद द कोलैबोरेशन ऑफ KNS NTSB हम यहाँ पे एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर आए जिसके अंदर हम यहाँ पे FA1 जो कि रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एक कोर्स है, जो ACCA का बिल्कुल फंडामेंटल एंड बिल्कुल ही आपके पास यहाँ पे बेसिक कोर्स है। इस कोर्स के अंदर बिल्कुल आपके पास बेसिक अकाउंटिंग को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखा गया है, और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर ही आपकी रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल यानी कि रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आगे के एडवांस पेपर्स हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जिनको कुछ क्वेरीज हैं या कोई कंफ्यूजन्स हैं तो डेफिनेटली वो मुझसे वो क्वेश्चंस या क्वेरीज पूछ सकते हैं थ्रू द डिस्कशन फोरम। तो मैं उन डिस्कशन फोरम्स के ऊपर आपको खुद पर्सनली आंसर्स कर रहा हूँ, आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर रहा हूँ। एंड देयर विल बी अ वेबिनार जो कि 15 डेज के बाद हर 15 डेज पे आपके पास वेबिनार यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर मुझे लगेगा कि आपकी कुछ क्वेरीज ऐसी हैं जिनको मुझे रिजॉल्व करना चाहिए, जो मैं आपको रिजॉल्व कर सकता हूँ थ्रू सम वीडियो लेक्चर्स, यानी कि मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे जिस पे आप अपनी इंक्वायरीज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। सो इन सारी बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के, यू नीड टू रजिस्टर योर सेल्फ एट TSBEducation.com। गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।